सावन मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रावण मास की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन भोलेनाथ को सावन मास ही क्यों प्रिय है, आज इस कथा के माध्यम से बताने की चेष्टा करेंगे। आशा है आप सावन मास का माहात्म्य एवं कथा सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं सावन मास की ये पावन कथा। ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि का रचनाकार, सर्वप्रथम उत्पन्न किए हैं पुत्र इन्होंने चार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है नाम। इस सृष्टि को बढ़ाने का जिन सौंप दिया है काम, किंतु इन्होंने ब्रह्मा जी का कहा नहीं माना। बोले तपस्या करने हमको वन में है जाना, छोड़ सृष्टि की रचना वो तप में ही लीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के पर नहीं अधीन हुए, ब्रह्मा जी उन तप करने से रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के चार मुनियों के रूप में अवतार लिया। यह चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। ये चारों भाई सदैव 5 वर्ष की आयु के ही रहे, न कभी युवा हुए न वृद्ध। चारों भाई एक साथ ही रहते हैं और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। चारों भाई जहाँ भी जाते हैं विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हैं और उन्हीं में ध्यान मग्न रहते हैं। सनत कुमार भोलेनाथ के पास आए।
पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्त जनों, चारों सनत कुमार विचरण करते करते जब भोलेनाथ के पास आए तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उन्हीं के मन में उत्पन्न हुआ था कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय मास सावन क्यों लगता है। तब भोलेनाथ ने चारों सनत कुमारों की जिज्ञासा को दूर किया और उन्हें बताने लगे कि उन्हें सावन मास क्यों प्रिय लगता है। प्रिय भक्तों, जो भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया, इस कथा के द्वारा हम वही वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। भोलेनाथ उनसे बोले, सुनो सबसे पहला कारण, अत्यंत ही प्रिय क्यों लगता है मुझको महीना सावन। देवी सती ने हवन कुंड में जब देह त्याग किया, अपना अगला जन्म उन्होंने हिमालय घर में लिया। राजा हिमालय और मैना की पुत्री बनकर आई, लेकिन अपने पिछले जन्म को ना वो भूल पाई। कैसे दक्ष ने महायज्ञ में किया मेरा अपमान, जिसके कारण पड़े त्याग ने सती को अपने प्राण। पार्वती को याद रही वो सारी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। भक्तजनों, भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्री मुख से सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने उनका एक महायज्ञ में अपमान कर दिया तो देवी सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने अगला जन्म राजा हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर लिया, तब इनका नाम पार्वती हुआ। और पार्वती ने अपने मन में ठान लिया था कि अपने इस जन्म में भी वो हमसे ही विवाह करेंगी। अपने मन में पार्वती ने प्रण लिया था कर, भोलेनाथ को ही चुनना है हर एक जन्म में वर। और इसके लिए उन्होंने बड़ी ही घोर तपस्या की, निराहार रहकर सावन में करी। पार्वती के तप से हम जब हुए बड़े ही प्रसन्न, जाकर के साक्षात दिए हैं उन्हें हमने दर्शन। पार्वती के सावन में उस तप के कारण ही विवाह उनसे करने की हमने हामी है भर दी। फिर लेकर बारात हिमालय घर हम जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जनों, भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को प्रथम कारण यही बताया
कि सावन मास में माता पार्वती ने अन्न और जल का सेवन त्याग दिया था। उसी कठिन तपस्या के कारण हमने पार्वती से विवाह करने की सहमति जताई थी। अब सनत कुमार पूछने लगे, हे भोलेनाथ, क्या यही एकमात्र कारण है कि सावन मास आपको प्रिय है? तब भोलेनाथ कहने लगे, सावन मास प्रिय होने का एक कारण और मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो चढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जनों, भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि जब दैत्यों और देवों ने सागर मंथन किया था तो सावन मास में ही कालकूट नामक विष निकला था, जिसे सृष्टि के कल्याण की खातिर हमने कंठ में धारण कर लिया। तभी नीलाकंठ होने के कारण हमें नीलकंठ का नाम दिया गया। जब हम कालकूट विष के प्रभाव से व्याकुल होने लगे तो सभी देवताओं ने गंगा का शीतल जल हमारे शीश पर डाला। वही प्रथा आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। प्रिय भक्तों, ये बात स्वयं भगवान भोलेनाथ सनत कुमारों को बता रहे हैं। तभी सनत कुमारों ने प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, आपके श्रीमुख से सावन मास की उपमा सुनकर हमारा हृदय बड़ा ही पुलकित हो रहा है। कृपया हमें और भी कारण बताए कि सावन मास आपको क्यों प्रिय लगता है। कहने लगे, शिव आता है ये महीना दक्षिणायन में, और वर्षा ऋतु भी तो होती है इस सावन में। पत्ते बेल फूल धरती पे खूब पनपते हैं, मुझको बड़े प्रिय लगते हैं। करके ग्रहण एक बेल पत्र को प्रसन्न में रहता हूँ, अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण भी करता हूँ। तीन नेत्र है मेरे, तीन ही बेल पत्र भी है, बेल पत्र तो पसंद मुझे सबसे बढ़कर ही है, इसीलिए तो पत्र मुझे भक्त चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से सावन मास का महात्म्य सुनकर सनत कुमार बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। जितना भगवान शिव श्रावण मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उतना ही और अधिक सुनने की इच्छा उनके मन में जागृत हो रही थी। तो सनत कुमारों ने भगवान भोलेनाथ से विनती की
हे भोलेनाथ, हमारे पवित्र सावन मास की महिमा सुनने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है, अतः आप और वर्णन करने की कृपा करें। संत कुमारों की जिज्ञासा भोले ने जानी, भोलेनाथ ये कहने लगे कि आगे सुनो कहानी। राजा दक्ष ने यज्ञ में कर दिया था मेरा अपमान, और सती ने त्याग दिए थे हवन कुंड में प्राण। क्रोधित होकर वीरभद्र को मैंने बुलाया है, राजा दक्ष का शीश ही जिसने काट गिराया है। क्रोधित होकर हम भी लगे थे तब तांडव कर, फिर हमें मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जनों, भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब हमारा क्रोध अत्यधिक बढ़ गया तो हम जलती हुई सती की काया को लेकर तांडव करने लगे, तो सभी देवों ने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बताया और उन्होंने सुदर्शन छोड़कर सती की काया को खंडित कर दिया। विष्णु जी की विनती करने से हमारा क्रोध शांत हुआ और राजा दक्ष को हमने क्षमा कर दिया एवं उसे यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया। दक्ष प्रजापति को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने हमसे क्षमा याचना की। राजा दक्ष ने जब हमसे है क्षमा याचना की, उनकी भूल को क्षमा कर दिया मैंने सुनो तभी। हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति को हमने क्षमा कर दिया तो हमने हर सावन उन्हें अपनी ससुराल कनखल में आने का वचन दिया, और जब भी हम ससुराल गए वहां हमारा स्वागत जलाभिषेक से हुआ, क्योंकि जलाभिषेक करने से मैं अत्यंत ही प्रसन्न होता हूँ और हर सावन मास में धरती पर निवास करता हूँ। सबसे प्रिय उन्हें लगता है ये सावन का महीना, सावन में जो भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं, और गंगा जल लाकर जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं।
पूरी है। सावन मास में शिव सुमिरन तो बड़ा जरूरी है। चेतन शुक्ला ने सावन मास की कथा का किया है वर्णन। लाखों भक्त संग सुनता जिसको हंस राज रिलहन। फौजी सुरेश भी सिमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।